हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया था। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट और कमेंट के ऊपर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको पता है कि आपके रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनाता हूँ, तो ये वीडियो भी आपके लिए ही बना रहा हूँ। यदि आपके पास भी कोई प्लॉट साइज है, जिसका घर शॉप या कमर्शियल बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो अपना प्लॉट साइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके प्लान को बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा। दोस्तों, यह प्लान स्पेशली गांव के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका प्लॉट साइज 25 फीट x 33 फीट में डिजाइन किया गया है। दोस्तों, यह डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपका प्लॉट साइज डिफरेंट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज का प्लान देखने को मिल जाएगा। मैं चैनल पर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज का प्लान अपलोड करते रहता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका फ्रंट एलिवेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रंट एलिवेशन हो जाता है। इस फ्रंट एलिवेशन में आपको एक पोर्च देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पोर्च में देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ट्रेंगल शेप में इस तरह का डिज़ाइन, कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैंने रखा है। दोस्तों, इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेयर केस का डिजाइन किया गया, सीढ़ी का, जो थ्री स्टेप में ऊपर की तरफ आपको लेकर जाता है। अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह किया गया, आप अपने अकॉर्डिंग भी गार्डनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोर्च में आपको दो खूबसूरत कॉलम का डिजाइन किया गया, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट करवा सकते हैं। सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक बरांडा, जिसका साइज 6 फीट x 31 फीट 6 इंच रहने वाला है। बरांडे में देख सकते हैं एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोर कॉलम का डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं मेन एंट्री गेट मिलता है। इस मेन एंट्री गेट से ही अंदर की तरफ आपको एंट्री मिलेगा। दोस्तों, इस मेन गेट के जस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड में देख सकते हैं दो विंडोज का डिजाइन किया गया है। इसमें आपको देख सकते हैं ऊपर रूफ पे यहाँ पे रूफिंग मटेरियल का डिजाइन किया गया है। अंडे का बाउंड्री वॉल किया गया है, इस तरह से कुछ मैंने डिजाइन रखा है। चलिए दोस्तों, आप अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, इससे आप जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले आपका दोस्तों यहाँ पे हॉल में एंट्री मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉल है, हॉल का डिजाइन किया गया, इसमें आपका एंट्री होता है, जिस 12 फीट x 9 फीट 6 इंच रहने वाला है। दोस्तों, इस हॉल में देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडोज का डिजाइन मैंने किया हुआ है। इसके राइट साइड में देख सकते हैं एक डोर का डिजाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे एक डोर दिया गया, इस डोर से आप बेडरूम की तरफ जा सकते हैं। देख सकते हैं इसका बेडरूम की साइज की बात करें तो बेडरूम साइज 12 फीट x 13 फीट 10 इंच में डिजाइन किया गया है। इस बेडरूम से अटैच आपको एक टॉयलेट रूम का डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 7 फीट x 4 फीट 6 इंच रहने वाला है। दो में एक और लेफ्ट साइड में इस डोर से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक किचन का डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 12 फीट x 6 फीट 6 इंच रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉडुलर किचन का डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ऐसा ही और सारा वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ पे आप जाकर डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज का प्लान देख सकते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।